जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो चिल्ड्रन, इन दिस लेक्चर वील बी डिस्कसिंग अबाउट अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज इनेट इम्यूनिटी। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी एंड द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। नाउ इनेट इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच अकर्स बाय बर्थ। ओके, या हम कह सकते हैं दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो बर्थ के समय इम्यूनिटी बेबी की बॉडी के अंदर होती है, दैट इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। नाउ दिस इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ओके, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट, इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस बैरियर्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू द बॉडी। अब ये जो इम्यूनिटी होती है दैट इज एकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। ये बहुत सारे, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, इसलिए बहुत सारे बैरियर्स जो हैं वो प्रोवाइड करती है, जो कि फॉरेन एजेंट या कोई भी माइक्रो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री बॉडी में स्टॉप कर देते हैं या रोक देते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर्स विच आर प्रेजेंट इन ड्यूरिंग बर्थ ओनली। नाउ द फर्स्ट इज योर फिजिकल बैरियर। अ फिजिकल बैरियर जो है स्किन, स्किन ऑन अ बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो स्किन जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा आता है अगर हमारे कॉन्टैक्ट में, सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है दैट इज़ योर बॉडी स्किन। ठीक है, सबसे पहले वो उसे स्किन पे अटैक करता है। ठीक है, स्किन से ही वो गुजरता है। तो सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, और स्किन जो है, स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, एक वॉल की तरह रहती है स्किन, जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंडली, जो भी म्यूकस कोटिंग होती है, ठीक है, म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट होती है, आपको पता है ये भी प्रोटेक्शन के लिए होती है, एब्रेजन्स के लिए होती है कि ये प्रोटेक्ट करती है म्यूकस। ओके, म्यूकस की जो कोटिंग होती है दैट इज़ प्रेजेंट, म्यूकस कोटिंग किसकी होती है, एपिथीलियम की होती है, एपिथीलियम टिश्यू की होती है, एपिथीलियल टिश्यू की, जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। ओके, और जो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यहाँ पे एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर भी कर गया बॉडी के अंदर, तो इन ये जो एरियाज हैं यहाँ पे, ये म्यूकस की जो लाइनिंग होती है, कोटिंग होती है, वहीं पे वो ट्रैप हो जाता है। ठीक, क्योंकि वो स्टिकी होती है तो वो आगे मूव नहीं कर पाता है, वहीं पे स्टैक हो जाता है। ओके, इट दिस हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज़ योर फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, हमारे ही आपको पता है, जब हम डाइजेशन में आपने पढ़ा है कि जो हमारा स्टमक होता है, इट प्रोड्यूस एसिड, HCl प्रोड्यूस करता है। ओके, सो और बात करें तो माउथ में क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, हमारे ईयर्स जो हैं, हमारे आईज जो हैं वो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब जो है, ये सब किस लिए होता है, जस्ट टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, क्योंकि अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के साथ अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्टमक में एंटर कर गया है देन दिस एसिड विल डिस्ट्रॉय दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, या तो आपका मुंह के थ्रू अगर गया है तो सलाइवा डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, और जो टीयर्स आपके निकलते हैं दैट इज़ आप ये कह सकते हो कि एक तरह से आँखों की सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को की या फिर माइक्रोब उसकी ग्रोथ को भी प्रिवेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर सेलुलर बैरियर्स। नाउ सेलुलर बैरियर्स, एज द नेम सजेस्ट, सेल की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एज यू ऑल नो WBCs, जिनको सोल्जर्स कहा जाता है सेल का, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इनको, और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, मॉर्फो होता है मॉर्फोलॉजी, ये बहुत सारी इनकी मॉर्फोलॉजी में एग्जिबिट होते हैं, या तो हम ये भी कह सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ओके, मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बहुत टाइप के हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में, जो इनेट इम्यूनिटी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो ये जो सेल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड
एज वेल एज मैक्रोफेजेस की अगर हम बात करें तो मैक्रोफेजेस भी क्या होते हैं, ये भी जो हैं फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि हमें टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी वर्न आउट सेल है उसको फेगोसाइटाइज कर देते हैं, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर वो सेल के अंदर एंटर कर गया है. ओके, नाउ लास्ट इज़ योर साइटोकाइन बैरियर. नाउ साइटोकाइन बैरियर जो है वो वायरस की अगर हम बात करें, सपोज़ वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, ठीक है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो सेल्स होंगे जो कि वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बेटा बोलते हैं इंटरफेरॉन्स. और ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं फर्दर जो इन्फेक्शन है उसको फैलने से, क्योंकि आपको पता है कि एक बार वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो वायरस जो है और भी जो सेल्स होते हैं आसपास के धीरे धीरे उनको अटैक करता रहता है और इस तरह जो है वो इन्फेक्शन फैलता रहता है. लेकिन ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, ताकि आगे वायरल इन्फेक्शन प्रोसीड ना हो, आगे एक्सटेंड ना हो, वहीं पे स्टॉप हो जाए. तो ये कौन करता है, इंटरफेरॉन्स करते. सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट बैरियर्स विच आर प्रेजेंट इन इनेट इम्यूनिटी. सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीबडी.